गाइस फाइनली पहुंच गए हैं हॉस्टल और ऐसा व्यू आता है कुछ हॉस्टल से। ये पार्किंग है, अभी चलते नीचे सारा बातचीत करते हैं और फिर मिलता हूं मैं आपसे। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी हम लोग ने चेंज वेंज कर लिया है, अभी हम जा रहे हैं पास में कुछ खाने और अभी हम दोनों एंगल से अपना कवर करते हुए चलेंगे क्योंकि यहाँ के व्यू जो है आप देख रहे हैं ना, व्यू बहुत ही प्यारे हैं। तो अभी हमने ना हॉस्टल की वीडियो बनाई है ना कुछ, तो अभी हम वापस चलेंगे फिर बनाएंगे हॉस्टल की वीडियो, कुछ खा आते हैं क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट किया था और उसके बाद हमने कुछ खाया नहीं था। ब्रेकफास्ट भी हमने कुछ ज़्यादा हेवी नहीं किया, एक एक ब्रांडे खाए थे। तो बस चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो हमने आज एक छोटा वाला बैग लिया है, आपको इस वाले कैमरे दिख रहा होगा, इस वाले बैग में जितने भी ब्लॉगिंग के एसेंशियल सामान है वही रखा है सिर्फ, बाकी बैकपैक हम रूम पे छोड़ा है अपने हॉस्टल के। और ट्राईपॉड मेरा आकाश भाई के पास है क्योंकि बिना ट्राईपॉड के ब्लॉग कैसे होगा भाई। तो बस चलते हैं, अभी हम लोग कुछ खाएंगे। और यहाँ मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है यार, हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ठंडा होगा और हल्की हल्की सी यहाँ बारिश भी शुरू हो गई है, बट दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो बस फिर चल रहे हैं हम लोग आगे और देखते हैं यार कोई अच्छा सा जहाँ से अच्छा व्यू भी आओ और खाना भी अच्छा हो, तो कुछ खाते हैं हल्का फुल्का और फिर देखते हैं कहाँ निकलेंगे हम लोग घूमने के लिए। सो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी आ गए हम लंच करने और यहाँ करना है लंच अभी बस, तो दिखाता हूँ मैं भी आपको आगे का क्या सीन है। ये है रेस्टोरेंट, कुछ ऐसी ग्रीनरी हो रखी है यहाँ पे और द टेस्ट ऑफ उत्तराखंड द पहाड़ी रसोई। और यहाँ से चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ इसका क्या एरिया है। और एरिया कुछ सिटिंग एरिया ऐसे है, एक इधर ही बहुत ही प्यारा बना रखा है ये एरिया बैठने के लिए, ग्रीनरी हो रखी है प्रॉपर। और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, मैं दिखाता हूँ आपको बाहर से, तो ये व्यू है यहाँ से। और बस ऑर्डर कर दिया है, खाने का वेट कर रहे हैं, फिर मैं दिखाता हूँ आपको आगे का क्या सीन है। अभी का सीन कुछ ऐसे है, अभी हमने कर लिया है लंच, बड़ा टेस्टी लंच था। और अब हम जा रहे हैं चौली की जाली, अभी हो रही थी बारिश और अभी निकल गई है धूप, तो अभी चलते हैं यार फिर वहाँ एंजॉय करते हैं, आज वहाँ का सनसेट वहीं का एंजॉय करेंगे आराम से। और बस चलते हैं यार, बहुत ही मतलब अगर अभी तक किसी ने मुक्तेश्वर विजिट नहीं किया है ना तो मच रिकमेंडेड जगह है, आओ यार विजिट करो और मजे लो यार यहाँ के, यहाँ पे जो व्यूज मिलेंगे ना, जो व्यू आ रहे हैं यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे, वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। और अभी जहाँ हम जा रहे हैं वो तो वन ऑफ द बेस्ट व्यूज में से है। ये बच्चों का थोड़ा सा मैं जो चलाते थे, तो अभी बस चलते हैं और व्यू कुछ ऐसा भाई साहब, आपको हर दूसरे मोड़ पे एक से एक बढ़िया व्यू देखने को मिलेंगे। और यहाँ पता करते हैं एक बार, आई थिंक भैया चौली की जाली के लिए सीधा है यहाँ से मंदिर हो के ऊपर, हम तो भाई की पहुँचा देंगे। तो गाइस फाइनली अभी यह मुक्तेश्वर टेंपल पहुँच गए हैं। सो गाइस फाइनली पहुंच गए मुक्तेश्वर टेंपल, तो अभी चलते हैं मुक्तेश्वर टेंपल के अंदर और फिर वहां से चलते चौली की जाली और मैं दिखाता हूं यहां से क्या क्या सीन है। है कुछ ऐसी यहां पे जाने का ऊपर सीढ़ियां, तो चलते हैं ऊपर और यहां से चलते हैं ऊपर। और तो ये सीन है कुछ अभी ऊपर, और हमें काफ़ी ऊपर जाना है यार, वायरल हो गई हर जगह, वायरल कर दी तुम्हारी वीडियो। बस चल रहे हैं यार ऊपर, अभी वॉकिंग डिस्टेंस है काफ़ी सारा ऊपर, तो भाई साहब वॉकिंग डिस्टेंस में हालत ख़राब हो जाती है हमारी, पहले मंदिर दर्शन करते हैं। चलो सीधा ऊपर पहुंच के दिखाता हूं आपको।
सो गाइस पहले सांस ले लेते हैं। सो गाइस फाइनली पहुंच गए मंदिर के ऊपर और बिल्कुल स्टीप चढ़ाई थी, हालत हो गई ख़राब। साथ आकाश भाई हैं, मोहन भाई थक चुके हैं और हम भी। चलते मंदिर के अंदर, मंदिर दिखाते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको मुक्तेश्वर टेम्पल? और यहाँ पे जो वाइब्स आ रही है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और गुड वाइब्स है। अब बस यहाँ से सीधा चलते हैं चौली की जाली और फिर वहाँ से दिखाता हूँ वहाँ का क्या व्यू है। तो गाइस ये है रास्ता, ये चौली की जाली का। अब यहाँ से 15-20 मिनट का ट्रैक मान के चलिए, ट्रैक करेंगे वहाँ तक का। तो गाइस इतना वॉकिंग डिस्टेंस करते करते अब हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली चौली की जाली। और यहाँ का सीन कुछ ऐसा है सामने, तो चलते हैं और आगे दिखाता हूँ मैं आपको कैसे है सीन। और बस अभी दिखाता हूँ यहाँ से फाइनल व्यू क्या है यहाँ का। चलते हैं ऊपर और जिस व्यू के लिए हमने इतना वेट करा वो व्यू कुछ ऐसे देखेंगे हम इस पर चढ़ के। तो अभी बस चल रहे हैं आगे, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे स्टीप यहाँ पे वो बन रखी है यार, तो बाकी आगे चलते हैं। और यहाँ का जो व्यू है यार, व्यू के ही सारे पैसे हैं यार, व्यू एंजॉय करने ही तो आए हैं हम लोग। तो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा आ रहा है, तो बस इसे एंजॉय करने आए हैं। और अभी दिखाता हूँ मैं आपको कुछ पिक्स जो हमने यहाँ क्लिक करी हैं, और क्लिक करी हैं भाई हमारे आकाश भाई ने। आकाश भाई हैं ये हमारे, इन्होंने हमारी पिक्स क्लिक करी हैं। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको वो पिक्स। तो गाइस कैसे लगे आपको यहाँ के सिनेमैटिक शॉट्स? और हमने इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खिंचवाई हैं, तो इंस्टाग्राम पर जाके देखो और लिंक आ रहा होगा नीचे इंस्टाग्राम का, तो जाओ जल्दी यार फॉलो करो। सो गाइस अभी का सीन कुछ है, यहाँ से हम चौली जाली से निकल गए हैं, अभी जा रहे हैं नीचे जहाँ हमारी बाइक पार्क्ड है, बाइक लेते हैं और फटाफट इसके बाद चलते हैं अपने हॉस्टल, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। अंधेरा होने से पहले हमें हॉस्टल पहुँचना है, तो सीधा मिलता हूँ मैं हॉस्टल पहुँच के। ओके तो मिलते हैं आपसे हॉस्टल पहुँच के।